ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। फतवों की नगरी हो रही है सील, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि फतवों की नगरी देवबंद में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13 हो गई है। देवबंद में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने 2 हॉटस्पॉट केंद्र बनाए थे। इसके बाद अब जिलाधिकारी ने पूरे देवबंद नगर को सील करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी देवबंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा देवबंद नगर सील किया जा रहा है। सील किए गए क्षेत्र में सभी लोगों को होम डिलीवरी कराई जाएगी, किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देवबंद नगर को कोरोना वायरस ने पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया है। नगर से तकरीबन 250 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। देवबंद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 13 हो गई है। जिलाधिकारी ने सुरक्षा की दृष्टि से उप जिलाधिकारी को देवबंद नगर को पूरा सील करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने पूरे नगर को सील करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पूरा नगर सील कराया जा रहा है। इस सील एरिया में लोगों को राशन की डोर टू डोर डिलीवरी दी जाएगी। किसी भी दशा में अंदर रहने वाले व्यक्तियों को बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन के लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी सील क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इतना ही नहीं, फतवों की नगरी को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया, गुजरात के 7 जमाती जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यही देवबंद से मिले थे, उन्हें यही क्वारंटाइन भी किया गया था। अब सुरक्षा की दृष्टि से फतवों की नगरी को सील कर दिया गया है। अभी तक 20 हॉटस्पॉट हम लोगों ने चिन्हित किया है। वो 20 हॉटस्पॉट विभिन्न थाना क्षेत्रों में है। उसमें जो मुख्य कस्बे हैं उसमें गंगोह कस्बा है, पूरा ही है। और देवबंद में अभी तक हम लोगों ने कुल 25 वार्ड में से 11 वार्ड हम लोगों ने हॉट स्पॉट में रखा था। पर कल भी कुछ वहां से केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो पूरा का पूरा जो कस्बा देवबंद है, 25 वार्ड हैं उसमें, उन 25वें वार्ड को हम लोगों ने अपने कंटेनमेंट जोन में जो है लिया है, उसको पूरा हॉट स्पॉट हमने डिक्लेयर किया है। तो पूरा देवबंद सील रहेगा सर? तो इसको देखते हुए पूरा देवबंद कस्बा, पूरा गंगोह कस्बा, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी हम लोगों ने जो थाना मंडी क्षेत्र है, थाना कुतुब क्षेत्र है, और जनकपुरी और उसका चिलकाना का कुछ एरिया है, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जो जनपद सहारनपुर में है, जिनको हम लोगों ने सील किया है।